नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा ने रणनीति बनानी आरंभ कर दी है। इस रणनीति के तहत भाजपा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने की। बैठक में भाजपा की जीत के आधार त्रिदेवों ने भाग लिया। नगर निगम में भाजपा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पुरुषोत्तम गुलेरिया ने उनका मार्गदर्शन किया। इस मौके पर उपस्थित त्रिदेवों ने अपने विचार और सुझाव भी रखे। नाहन के विधायक राजीव बिंदल को सोलन नगर निगम चुनावों में सारथी बनाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई दिया। पुरुषोत्तम गुलेरिया ने इस मौके पर कहा कि आज 32 बूथों के 72 त्रिदेवों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। उन्होंने बताया कि एक महाबैठक का आयोजन सोलन के सनातन धर्म मंदिर में किया जा रहा है, जिसमें त्रिदेवों के साथ साथ 1113 पन्ना प्रमुख भी भाग लेने वाले हैं। उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं में नाहन के विधायक राजीव बिंदल और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहसल नई ऊर्जा भरेंगे। उन्होंने कहा कि कल से भाजपा चुनावों का शंखनाद करेगी और नगर निगम में अवश्य जीत भी हासिल करेगी। आज सोलन कारपोरेशन के चुनाव को लेकर यहाँ सोलन शहर के जो 32 बूथ हैं उनके जो त्रिदेव हैं, 96 त्रिदेव में से 72 त्रिदेव यहाँ पे यानी कि बूथ अध्यक्ष पालक एजेंट यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बहुत उत्साह के साथ अभी ये बैठक संपन्न हो रही है, जिसमें आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जिनका ताल्लुक सोलन से वर्षों पुराना नाता रहा है, उनको इस चुनाव का प्रभारी, और आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी जो कि प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, उनको सह प्रभारी के नाते यहाँ पर भेजने से कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठक संपन्न हुई है। कल बहुत बड़ी बैठक सोलन इस नगर के जो 32 बूथों में हमारे ये 96 त्रिदेव, उसके साथ साथ 1113 हमारे पन्ना प्रमुख हैं सोलन शहर के, उन सब की बहुत बड़ी बैठक, 700-800 लोगों की बैठक हम सोलन में करने जा रहे हैं। सनातन धर्म मंदिर का जो बड़ा सभागार है, उसकी धर्मशाला का, उस सभागार में ये बैठक संपन्न होगी। इसमें आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी और आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी उसमें उपस्थित रहेंगे। अगली कॉरपोरेशन के चुनाव को लेके जो भी रणनीति योजना होगी, उस योजना को वहाँ कार्य रूप दिया जाएगा, तो उसके निमित्त आज ये बैठक यहाँ पे हो रही है।